ਕਮੀਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੱਠੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੜਦਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤਗਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੋ ਕਸੀ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ। ये ना इधर हम इसको रिबा को ले आया, कहता है मेरे साथ खेलो, तो ये इसके साथ ना इसको क्या कहते हैं गीटे ये खेल रही है। इसको खेलने आते नहीं है। अरहम सलाम कर दो, अरहम सलाम करो बेटा। देखो क्या कर रहे हो, ये खेल रहे हैं जी बट्टे। तभी हो चुकी है दोपहर और हमारे घर का हशर नशर ये देखे हुआ पड़ा है। तो ये अभी सामान वगैरह उठाते हैं और सामान वगैरह को सेट करते हैं। ये बर्तन वगैरह देखें कैसे बिखरे पड़े हैं। अब हम जब आते हैं ना ये घर का सत्यानाश कर देता है। और इधर जो है अहमद साहब जो हैं वो लेटे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से मतलब करें, हम भी खैर से हैं और हमारी दुआ हमें देखने जा रही है खुश रहे बाद रहे सर मुस्कुराते रहे। तो जी अभी सारा सामान जो है ये देखें इधर सारा कचरा वगैरह बिखरा पड़ा है, तो मैं इसको उठा के एक साइड पे बोरे में ही डाल देती हूँ, क्योंकि कल फिर हमारे मिस्त्री भाई आएंगे तो फिर हमारा काम जो है वो दोबारा से हो जाएगा स्टार्ट। तो कल का टाइम है, उसके बाद जो है वो हमारा काम होगा, फिर हम वहाँ पे अपने रूटीन जी अपने बहन भाइयों से शेयर करेंगे। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अपना जो है इंतज़ाम बचने का गर्मी से बचने का वो पहले ही कर लें, क्योंकि बाद में बहुत धूप हो जाएगी और फिर वहाँ पर काम करना और बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये पंखा हसन ने ना गीला कर दिया था, इसको धो के मैंने रखा है इधर सूखने के लिए। और ये देसी का हशर नशर देखें, इसको मैं अभी धुलाई करती हूँ। आज जो है सालन ने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया था, क्योंकि उसको अलहदा अलहदा से पहले करेले को वो करना भूनना और उसके बाद प्याज भूनना फिर गोश्त पकाना, आज जो है मेरा काम काफ़ी बढ़ चुका था। अलहमदिल्ला से सालन ये है दोपहर को भी खाना खा लिया हमने, अब शाम को मेरी छुट्टी है सालन की वो मैं नहीं बनाऊंगी। तो उतला काम जो है ये खिलारे वगैरह जो खिलरे पड़े हैं इधर उधर सारे चारों तरफ इसको उठाते हैं और ये सीमेंट भी उठा के एक साइड पे रखते हैं। अहमद ने जैसे ही रात को भाई आए थे उधर ही रखवा दी थी, गंदम मामू की पड़ी हुई वो भी नहीं उठा के लेके गए। जैसे मिस्त्रियों ने कप वगैरह फारिग किए थे तो यहाँ पर बर्तन वगैरह अहमद ने रख दिए और मैंने भी नहीं उठाए, क्योंकि काफ़ी सारा खाने वगैरह का काम था ना आज, आज काफ़ी लेट हो गए हैं। ये अंदर खेल रहे हैं और कर रहे हैं शरारतें। कल मैंने मशीन भी लगाने कपड़े बहुत ज़्यादा आज होने थे लेकिन सर्फ नहीं था, फिर अहमद देर से लेके आया तो मैंने सोचा चलें कल जो है वो कपड़े धो लेंगे इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, आज अरहम और अरिबा जो है वो सफाई कर रहे हैं झाड़ू से। मैं इन्होंने गंद भी किया है कचरा वगैरह, ये देखें ये खेल रहे थे काने वगैरह जो है इन्होंने सारे बिखेर दिए हैं। अब ये कह रहे थे कि हम सफाई भी खुद ही करके देंगे, तो मैंने इनसे कहा कि अगर झाड़ू लगाना है तो साफ़ लगाना है, लेकिन अगर नहीं साफ लगाना तो फिर खुद लगाओ ना मैं खुद लगा लूँगी, लेकिन ये कहते हैं कि हम साफ करके देंगे। वो आगे जाती जा रही है, ये पीछे से उसका गंद लेके जा रहा है पागल। और हम के काम भी हरकतों वाले होते हैं। आराम से, हाँ ऐसे शाबाश। तो मैं धो लेती हूँ बर्तन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह के फजल करम से यहाँ भी ठीक हैं और दुआ देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आप बात रहते मुस्कुराते रहें आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बच्चा पार्टी जो है सफाई कर रही है घर की, और इतना सफाई कर रही है, इतना सफाई में मगन है ना, इतना मैं कहता हूँ घर की जो बड़ी औरत होती है ना वो भी मगन नहीं होती सफाई के अंदर, इतना ये फुल जोश व खरोश के साथ सफाई कर रही हैं। और यहाँ समीन मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं और ये इसका मट्टी मट्टी बाहर जाता ना सारी मट्टी इधर हो जाती है। हाँ? सारी मैंने कहा मट्टी हो जाती है किधर? यहीं पे। इस जगह पे? हाँ। इस जगह पे या इधर? अच्छा हाँ, वो पाँव वगैरह धोते हैं कोई या बर्तन वगैरह धोते हैं ना साफ जरा भी मट्टी तो होगी ना, ये फिर धोना चाहिए ना इस वजह से आप धो रही हैं, अच्छी बात है सफाई करना। और जो खुरा वगैरह अब ये माशाल्लाह पीछे देखें सफा हो चुका है, ये देखें
और इन्होंने हाँ हाँ सही बात है, मिट्टी हो गया सारा। ये हमारा घर आपको पता है गाँव के अंदर है ना, मिट्टी उड़ती है फिर इसके ऊपर आकर गिरती है, पूरे घर में बल्कि गिरती है, फिर साथ साथ हर जगह जो है कहीं कहीं पे जो है इसके निशान पड़ जाते हैं मिट्टी वगैरह के। और यहाँ अरिबा और हम जो है पहले उन्होंने घर की सफाई झाड़ू लगाया, उसके बाद उन्होंने जो है ना पोछा लगाना शुरू कर दिया और काफ़ी देर से ये पोछा लगा रहे हैं। हाँ जी अरिबा, मज़ा आ रहा है आपको? लेकिन ये टुकड़े टुकड़े क्यों लगा रहे हो? वहाँ से फिर टुकड़ा लगाया है, फिर छोड़ दिया, फिर उधर लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर इधर लगाया, फिर छोड़ दिया, फिर अब उधर लगाना शुरू कर दिया। जो सफाई करते हैं ना, एक सिरे से सफाई करते हैं फिर सारे घर की सफाई करते हैं, ऐसे सफाई होती है, कहीं कहीं से सफाई नहीं होती, टुकड़े टुकड़े करके फिर सफाई जो है ना वो कर रहे हो आप लोग। वे कपड़े खराब ना करो, उठ जाओ, शर्म करो अरहम। ये देखो इसके काम, बस सही बात है। फिर माशाल्लाह जी, ये जो हमारा पौधा है ना, जो मैंने पिछली बार दिखाया था अबू ने जिसके अंदर से घास काटा था, वो माशाल्लाह देखिए, पहले मैं वाकई मैं अबू की बात समझ गया कि देखिए पहले इसके अंदर बाहर बाहर घास था, तो सारा जो इसकी ताकत थी ना मिट्टी की, वो घास चूस लेता था। तो अब माशाल्लाह जब से घास हमने इसका निकाला है ना, तो माशाल्लाह आप देखें बेहतरीन सा ग्रो होना शुरू हो गया, देखिए हरा भरा हो गया बेहतरीन। तो वाकई सच कहते हैं कि घास वगैरह जो है ना निकालना चाहिए पौधों के अंदर से, तो तब जाकर पौधे ग्रो होते हैं। इसका भी घास था मैंने निकाला था, अब माशाल्लाह ये भी ग्रो हो गया। मेरे जिस्म में काफ़ी दर्द है, पूरे जिस्म में, टांगों में, कमर में, बाजुओं में, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार आने वाला है, और हल्की हल्की जिस्म में रड़ जिस तरह होती है ना, रड़ा होता है, हल्का हल्का दर्द होता है जिस्म के अंदर, वैसे हो रहा है। अभी अभी हुआ है, 15-20 मिनट हुए हैं, पहले कुछ तबीयत ठीक थी, अचानक से ऐसे होना शुरू हो गया, पता नहीं अब क्या है। पिछली बार भी ऐसे हुआ, अचानक से दर्द जो ना शुरू हुआ जिस्म का, फिर बुखार आ गया, फिर अचानक से गले का दर्द उठ गया, पूरा हफ्ता गले का दर्द मुझे दलील किया गले के दर्द ने, फिर जाकर आराम आया गले के दर्द का। और यहाँ हमारा सिंक जो है माशाल्लाह धुल चुका है वी आई पी, ये हाँ मतलब ये पता नहीं जल्दी गंदा क्यों हो जाता है, मुझे ये साफ जाहिर है ओपन जो है मिट्टी वगैरह गिरती रहती है इसके ऊपर, ऐसे हो जाता है, यही हाल होता है, धोना चाहिए, धोना पड़ता है इसको। ये माशाल्लाह आ गया जी मेहनत करने के लिए, तगारी लेके आ गई है, ना तो कसी है हाथ में और ना ही कुछ, ऐसे ही डालोगे क्या? ये जो है ना बगैर कसी के तगारी के अंदर मिट्टी डाल के कहती है मैं इधर डालती हूँ, लोगों के प्लाट से मिट्टी उठाओगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, ख्याल करना। हाँ मैंने कहा ना उठाओ, वो जिसका प्लाट है वो मारेगा। ये दूर से फेंक दी ना, बांध, ये तो बुनियादें हैं ना, ये तो एरे हैं समझे, इससे ऊपर ऊपर भर्ती आएगी। चलो जल्दी करो, वहां से खड़ी होकर फेंक दे दी बस, छलांग लगाई रखा, छलांग लगाई फिर उठाया, आयो हो घड़ा इधर फेंक दो, कमरे में डालनी है भट्टी। अच्छा कमरे में डालनी है, डल गई, नहीं करना। हाँ इतना जल्दी ये तगारे के साथ थोड़ी डलेगा यहाँ पे। बस 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 ये इतना भर्ती आएगी कमरे के अंदर, ये जो हाथ वाली यहाँ हमारी रेड़ियाँ है ना हाथ वाली, कम से कम वो 200 रेड़ी आएगी इसके अंदर हाथ वाली, जो खोता रेड़ी है ना खोता रेड़ी, कम से कम 50 रेड़ियाँ आएंगी इसके अंदर खोता रेड़ी। वो किसी और का प्लाट है, क्यों मार खिलवाती हो मुझे, मुंह पे हाथ देते हैं। आपने कैमरा उधर किया हुआ था, मैंने सब वासी लिया आपने। अरे हम ये लग जाएगी चोट, इसको समझाओ यार। माशाल्लाह जी सूरज चेखें। हाँ क्या कह रही थी? चले हम बारी बारी जो है मट्टी उठा के इधर डालते हैं, इसको थोड़ा सा हम खुद फील करते हैं, कुछ जो है हम कल भाई चला जाएगा बना के, अच्छा तो फिर इंशाल्लाह। नहीं मेरी बात सुनो, ये अभी इसको बनाने दो,
दरवाज़ा खुलेगा ये वाला, जब ये मुकम्मल बन जाएगा ना दरवाज़ा खोल देंगे इसका, फिर हम उधर से ना वो एक नुक्कड़ से मिट्टी उठाएंगे, ठीक है, एक नुक्कड़ से मिट्टी उठा के इसको भरेंगे, फिर खोते रेड़े से ना उस जगह पे मिट्टी डलवा देंगे, बीज लेती हैं फिर उगाना शुरू करते हैं वहाँ पे, क्योंकि मौसम है ये सब्जियों का। हाँ जी, तो अभी अभी इसको ना पहले मुकम्मल करते हैं इसको, यहाँ पे बाहर इसकी चार दीवारी मुकम्मल करते हैं, क्योंकि यहाँ बकरियाँ वगैरह चराने के लिए आते हैं ना, फिर वो बकरियाँ खा जाएंगी सब्जी हमारी। बीज होगा अंदर, कितनी देर का हो जाएगा? अभी तो सामान वगैरह यहाँ पे देखें ईंटें पड़ी हुई हैं, जगह सीधी होगी फिर जाकर हम सब्जियाँ उगा सकते हैं ना, पहले तो नहीं उगा सकते ना सब्जियाँ। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे ना सिस्टम, एक मतलब यहाँ पर एक बनाएंगे जो बागीचा होता है, किचन गार्डन होता है, वो बनाएंगे ना, और फिर उसके बाहर क्यारियाँ बनाएंगे, फिर वहाँ पे सब्जियाँ उगाएंगे हम, लहसुन हो गया, धनिया हो गया, भिंडी तुरी, सब्ज तुरी, कद्दू, बैंगन और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बैंगन तो खैर नहीं उगाएंगे, सब्ज तुरी होती है, हो गई ये भिंडी हो गई ये, हाँ ये वाली चीज़ें उगाएंगे, क्योंकि बैंगन जो है ना वो पिछली दफ़ा आपके मामू ने उगाए थे वो सारी खराब हो गई। नहीं वो नसीब होता है, हो सकता है हमारे जो हम उगाए बैंगन वो अच्छे हो जाए। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह अपनी सब्जी का इंतजाम सारा करेंगे, ताकि हमें बाजार से सब्जी ना लेनी पड़े, और वो भी हमें फायदा ये होगा अगर हम उस जगह पे उगाते हैं ना, साथ ही पानी, अब नहरें शुरू हो जाएंगी वहाँ से भर भर के, हम यहाँ पे भी पानी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे हम दीवार कोई कुछ ना ऊँची टपले लगाएंगे, पत्तल होती है ना जो, वहाँ पे हम वो लगाएंगे, तो वहाँ पे जगह नहीं होगी, फिर हम जहाँ पे नलका वगैरह लगवाएंगे ना उससे हमें पानी देना पड़ेगा, नलका लगाएंगे ना उसका पानी हम बाहर नहीं डालेंगे, उस उन पौधों में लगा देंगे जो पानी होगा, तो फिर जो है हमारा हमें इजी हो जाएगा, पानी वगैरह भी हमारा एक जगह पे सेव होगा, हमारे पौधों को लगेगा और बाहर भी नहीं जाएगा, और हमारा पानी इस्तेमाल भी होता रहेगा। वो ईंटे वगैरह हम थोड़ी फैलाएंगे, वो मिस्त्री आएगा, उनका काम है ना, सुबह उसका काम, दो दिन का उसका काम है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपने काम शुरू हो जाएंगे। जो पहले मिस्त्री था ना इसने बनाई है वो चला गया, हाँ क्या करने वाली वो चला गया, उसके बाद फिर हम जो है ना अभी कल के लिए किसी और मिस्त्री को हमने हायर किया है, दो दिन का उसका काम है, छत डाल के इसका इसकी चला जाएगा, छत डालने के बाद फिर हम जो हमारा काम होगा ना वो हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, अपना काम हम फिर करते रहेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो ये साइड है ना ये हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कवर ना करें, मतलब इसको ना छुपाएं, और वो साइड भी हम ना छुपाएं, मतलब देंगे लेकिन इतनी ऊंची ऊंची नहीं देंगे कि हम बाहर का माहौल ही बंद हो जाए नज़र आना, हम ये साइड छुपा देंगे, बंद कर देंगे, ये शायद साइड ही बंद कर देंगे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऊंची देंगे ताकि बाहर से मतलब बाहर हम देख सकें, मतलब बाहर का माहौल हमें नज़र आए, इतना हम ऊंचा करेंगे, ज़्यादा ऊंचा नहीं करेंगे, ताकि ये क्योंकि हमारा एक मिशन है कि हम जो है ना ओपन माहौल रखें, ताकि बाहर का माहौल भी नज़र आए, ओपन चीज़ें नज़र आएँ, देखें जो वो कुत्ते जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, छोटे छोटे कुत्ते वो देखें ये जा रहे हैं, तो इसी तरह जो है ना वो रिक्शे वगैरह जा रहे हैं, इस तरह के माहौल मैं कहता हूँ नज़र आएँ तो बहुत प्यारा लगेगा फिर हमारा माहौल इंशाल्लाह। ये देखें जी नज़ारा जो होता है ना मेन वो डिपेंड करता है वीडियो के अंदर, तो मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा इसको बंद नहीं करेंगे। हाँ जी क्या हुआ? हमारे साथ जो हमसाया है ना बाजी बैठी हुई, वो कह रही थी कि आप ये पॉट जो इतने बड़े लिए हैं ये क्यों लिए हैं? मैंने उसे कहा है इसको काट के मैं दो टुकड़ों में करेंगे और छत पे डालेंगे। हाँ ओए उड़े 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 नीचे गिर गया, ये तमीज है भाई, दीवार के ऊपर ये ना कलाबाजा खा रहा है, इधर आओ इसके कान खेंचो समीना, चलो चलो खेंचो इसके कान, दांत निकाल रहा है ऊपर से ये डरता नहीं है हमसे है ना अच्छा अच्छा सही बात की है माशाल्लाह इसने, तो अभी जो है ना काम करते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं। वो क्या काम करना है? ईंटें उठाओ जो सुबह काम करना वहां से रखो। ओ यार ईंटें वो खुद उठाएंगे, हम क्यों उठाएं भाई ईंटें, भाई पैसे नहीं दिए उनको, हाँ जो उनका जो काम है हम वो करें ना भाई, हम उनका काम करें फिर उनको पैसे देने का क्या फायदा, फिर आप मुझे पहले बता दी उनको ना मैं देता पैसे उनको, हम फिर खुद कर लेते।
ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, यहाँ पे तकसीम वगैरह करना, वंड वगैरह करना, ऊपर ऊपर वाला काम जो मुश्किल काम है वो हम करवा लेंगे, बाकी काम हम खुद कर लेंगे ना, जो इजी इजी काम होगा। हाँ तो मुश्किल काम है वो भी कहती है भाई अहमद करे भी, मुझे बुखार है हाँ, आपको पता है जिसे मैं रड़ है, टांगों में दर्द है, पूरे जिसम में ना बुखार टाइप आया हुआ है, ये देखें मुझसे पहले थक गई है ये, अब कहती है कि उठा। चलो ठीक है, मैंने तो वैसे कहा था कि चलें जिसका काम है ना वो उनको करना चाहिए, अब हमें जो चीज़ नहीं आती वो हम कैसे करेंगे। हाँ धोलाते मैं हाँ कठे जमाना भावे सड़दार रवे, समीना ते मैं यहाँ कठे जमाना भावे सड़दार रवे, अरहम ते मैं यहाँ कठे जमाना भावे सड़दार रवे। किवें अरहम? नहीं। इसका मुंह चेक करें, दुनार कहते हैं मामू की बेटियां बुला रही हैं, ये ना छोटी अरीबा आती है ना उसके साथ खेलता है, अभी चली गई है घर तो कहता है मुझे बुला रही है, हालांकि बुला खुद नहीं रही वो। माशाल्लाह जी लुक चेक करें सूरज की, कितना प्यारी लग रही है, घरों के ऊपर ऊपर हल्का सा सूरज है और हल्के हल्के बादल भी हैं, ज़बरदस्त माहौल हो गया। चलें? ओके आ जाओ। जो रोटी पकाने की थपड़प 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 होती है ना ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए ना जल्दी जल्दी मैं भागा, मैंने कहा मैं जाकर ना थपड़प सुन लूं। ये आज अरहम की पक रही है चीनी वाली रोटी, आज इसकी चीनी वाली रोटी ना खिलाया करो अरहम को, सुबह नहीं खिलाती, कभी कभी खिलाने से कुछ, बस बस काफी है चीनी, ज्यादा इतना ना डालो। हाँ थोड़ी सी मीठी तो हो फिर। नहीं बस काफी है ना, मैं कह रहा हूँ मीठा अच्छा नहीं होता ज्यादा, और शाम का टाइम है इस टाइम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस टाइम बच्चा ना खा के सो जाता है। बाज लोग ना इतना मीठा खाते हैं, यकीन करें आप ना जर्दे के चावल सोइया ये वो, तो हमें जो ना एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बच्चा है। हाँ जी सालन इतना है बस, क्या हुआ दोपहर को जो हमने बनाया था ना सालन, ये हमारा बच्चा हुआ है। हाँ जी तो इस वजह से मैंने कहा कि चले इसको बना देते हैं मीठी रोटी, ये खा लेगा और सालन मैं अहमद खा लेंगे, मतलब इसके लिए सालन बचा रही हो। ये वैसे भी नहीं खाता, ये कौन सा खाएगा, इतना थोड़ा सा तो खाएगा नहीं, वैसे मैंने कहा चले इसको मिर्ची रोटी बना लेते, ठीक है ना। हाँ ले ये हो, अच्छा जाओ ले जाओ वो रोटी पड़ी है, इसको खिलाओ कोई बात नहीं, जो चीज कहोगे ना कि नहीं खानी है बचाएंगे ये वही खाएगा। मैं खा लूंगी। हाँ अब कहेगा नहीं, अब कहेगा मैंने खाना मिर्ची रोटी। हाँ भाई रोटी नहीं खानी मीठी, चलो ठीक है फिर। अहमद इसके पीछे वहां से देखो गैस निकल रहा है, इसके साइड से भी थोड़ा सा वो करो तो आप। हम्म, पीछे से देखो गैस तो नहीं निकल रहा इधर से। हाँ नहीं सही है, गैस कौन सा नजर आएगा, निकल रहा हूँ या नहीं निकल रहा, उसको जोर दे रहा ना नीचे से, गैस अगर वहां से निकल रहा होता ना यहाँ पे आग लग जानी थी। सुबह आपने क्या काम किया था, क्या मतलब आप तो काम करती है धूरे हो ना, मैंने क्या किया था, गैस खोल के वहां से बंद कर दिया मैंने, क्या के एक वो वाला जल रहा था ये, इसको ऑटोमेटिक आग लग गई, ये पूरे घर में फैल जाती ना वो शबाज वाला काम होता, तो आप उसको कह रहे थे हे अल्लाह, तो नहीं आप इधर से, आप इधर से नहीं देख सकती कि खुला हुआ वाल या बंद है, मुझे क्या पता, मैंने कहा मैंने ना चाय बनाई मिस्त्री भाइयों के लिए, मैंने ना इधर से ना वाल बंद कर दिया, ठीक है इसने ना इधर से जो है वो खोल दिया, उधर से मैंने बंद नहीं किया था, उधर से खुला हुआ था, इधर से जब खुला ना आपने फिर आप कोई और काम करने लग गई, यहाँ से तो गैस ऑलरेडी निकल रहा था क्योंकि यहाँ से खुला हुआ था, इसने यहाँ तिल्ली जलाई और वहां पटाख हुई जल गई वहां पे आग, तो साफ है वहां पे वो गैस निकल रहा था ना, गैस जो ही फैला जहां जहां तक गैस फैला हुआ था वहां तक आग लग गई। मेरी बात सुनो, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर यह है कि मैंने इधर से वाल बंद किया उधर से वाल बंद नहीं किया, आप तो देख रहे थे ना कि वहाँ पे खुला हुआ है उस साइड पे वाल गैस का, ये छुरी हमारी बहुत पुरानी है पता है, हमारा दूसरा घर का तब की ये छुरी बिल्कुल है ना याद है। हाँ अब क्या हो गया, छुरी पुरानी है तो नहीं, मैं वैसे एक लॉजिक तो नहीं है, और एक हमारी सुई है, मैंने सुई भी तब हमारे दूसरा घर का तब की संभाल के रखी। अच्छी बात है, चीजें संभाल के रखना, औरत का यही तो अच्छा काम होता है कि घर की चीजें जो है संभाल के रखती है,
फिर मतलब साफ जाहिर है, फिर जब वो चीजें संभाल के रखेगी वो खराब नहीं होंगी, फिर पैसे बचेंगे और नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो खराब करती रहेगी, उसको फेंक देगी, गुम कर देगी, तो साफ जाहिर है फिर और लेंगे और लेंगे और लेंगे, वो पैसे जाया होंगे। तो औरत का यही तो अच्छी बात होती है ना, औरत घर को संभाल के रखे, घर को संभाले, चीज़ों को संभाले, सफाइयाँ रखे, और जब चीज़ों की हिफाजत करेगी तो फिर साफ जाहिर है फिर फायदा ही फायदा है। जिस चीज़ की हिफाजत करेगी वो ज़्यादा अच्छा चल जाएगी। ना ना कहते कहते वो ले गया रोटी। ये खा के फिर ये इसका पेट फूल हो जाएगा, फिर कहेंगे ना ये खाओ, कहेगा नहीं मैं नहीं खाता। चलें जी प्यारे बहन भाई, अभी हम जो है खाना वगैरह खाते हैं, तो आप सबसे लाइक में इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में भी याद रखिएगा। हाँ जी।